students, I welcome you all to the first FLN video in English language. This video is for level 1, class 3, 4, 5. It contains topic from module 1. The topics covered are surrounding words, magic or greeting words, and classroom objects. So, let's start. First are surrounding words. These are the name given to objects which are present in our surroundings, यानी के हमारे आसपास मिलने वाली वस्तुओं के नाम। पहला शब्द है, यह वर्ड है फैन। फैन मतलब पंखा। आप सबने अपने रूम में पंखा तो देखा ही होगा। नेक्स्ट वर्ड इज बेड। बेड यानी पलंग। हम सबके घर में पलंग होता है जिस पर कि हम सब सोते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चेयर। चेयर यानी के कुर्सी। कुर्सी आप सबको पता है बैठने के काम आती है। डॉल। डॉल यानी कि गुड़िया। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले विद डॉल। हम सबको अच्छी लगती है ना गुड़िया। बाइसिकल। हम सबके घरों में बाइसिकल होती हैं और कुछ लोग बाइसिकल या साइकिल का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी करते हैं। कार। कार यानी कि गाड़ी। आप सबने रंग बिरंगी कार सड़कों पर जरूर देखी होंगी। एप्पल। एप्पल यानी सेब। आप सबने सेब खाया है ना, बड़ा मजेदार फल होता है। मून। मून यानी के चांद, जिसे हम सब बड़े प्यार से चंदा मामा भी बोलते हैं। यह हमें रात को आसमान में दिखते हैं, तो मून। तो बच्चों, आपने अभी अपने आसपास मिलने वाले कुछ शब्दों के बारे में जाना। Now let's move on to next category, that is magic or greeting words. We use these words to greet someone. First word is please. यह शब्द हम तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी से किसी काम के लिए request कर रहे होते हैं। Then we say please sir. Next word is thank you. थैंक यू मतलब धन्यवाद करना। यह शब्द धन्यवाद देने के रूप में प्रयोग होता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक छोटा बच्चा भगवान को धन्यवाद दे रहा है खाने के लिए। अगला शब्द है सॉरी। जब हम अपनी गलती मानते हैं तो हम सब सॉरी शब्द का प्रयोग करते हैं माफी मांगने के लिए। अगला शब्द है वेलकम। इस शब्द का प्रयोग किसी का भी स्वागत करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपके घर में कोई आता है या आपकी क्लास में कोई आता है तो आप सब कहते हैं ना वेलकम टू क्लास या वेलकम टू आवर होम। तो बच्चों, समझ में आया ये मैजिक या जादुई शब्द हम क्यों प्रयोग करते हैं? इन शब्दों के प्रयोग से सामने वाले के ऊपर एक जादू सा इफेक्ट आता है, जादू सा असर करता है और वो आपकी सारी बातों को बहुत पॉजिटिवली लेता है। अगली कैटेगरी है क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स। वे सामान या वस्तुएं जो कि हमारे क्लासरूम में मिलते हैं। पहला शब्द है टेबल। टेबल यानी कि मेज, जो कि टीचर का और बच्चों का सामान रखने के काम आती है, जैसे कि रजिस्टर्स, नोटबुक्स, चॉक, डस्टर एटसेट्रा। बैग। वी ऑल टेक बैग टू स्कूल एंड कीप बुक्स इन इट। डेस्क। Desk is a combination of table and chair on which students sit. यानी कि ये एक तरीके के जुड़े हुए चेयर और टेबल होते हैं जिसके ऊपर बच्चे बैठकर लिखते हैं। Pen and pencil, हम कैसे लिखते हैं? या तो पेन से या फिर पेंसिल से। Next word is blackboard. We all have blackboard in our class and we use it for writing. We have black blackboards and we have white blackboards also. Now let's revise the concepts or the words which we have taught. Bed, doll, car, bag, pencil, table. So I hope that you have learned many useful words in this video. And I sincerely hope that you will discuss these words with your friends and your class teacher. Thank you.